नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा, वो अच्छे टाइम में भी और बुरा टाइम में भी। तो मैं आज अपनी वीडियो में बात करूँगा ऐसे ही कुछ म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में। तो फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हमारा लिस्ट में नंबर 4 में है बीदू। इसका पूरा नाम है बीदू रहमान। ये अपना लाइफ स्टार्ट किया था इंग्लैंड पे। ये इंडिया का एक पॉपुलर म्यूजिशियन है। ये अपना लाइफ का 5 साल दिया था म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के इसका लिए। बनाया हुआ गाने अभी भी हर रोज इंडिया का हर डिस्को और पॉप में चलती है। ये कर्नाटक बेंगलोर में पैदा हुआ था और 1960 में ये अपना कैरियर का शुरुआत किया था। हमारा लिस्ट का नंबर 3 में है बाला भास्कर। ये इंडिया का एक पॉपुलर म्यूजिशियंस और म्यूजिक क्रिएटर है। बाला भास्कर का नाम ज़्यादा करके सुनाई देती है साउथ इंडिया में, और इसका फादर भी एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। ये बहुत सारा मूवी के लिए भी अपना सॉन्ग क्रिएट करती है। हमारा लिस्ट में अगली नंबर पर है बी प्रोजेक्ट। ये अपना करियर स्टार्ट किया था 1984 में एक बहुत बड़ा सिंगर और डीजे के नाम पर। ये पहले बीटी डीजे के नाम पर जाना जाता था और ये नाइट होटल में एक नॉर्मल सा डीजे का काम करता था। उसके बाद 5 साल लंदन में काम करने के बाद बहुत फेमस सिंगर के नाम पर जाना जाता है इंडिया पर। लिस्ट में नंबर 1 में है AR रहमान। ये सबसे बड़ा म्यूजिक क्रिएटर और प्रोड्यूसर में से एक है। ये पहले से ही मूवीज़ में काम करने के लिए शुरुआत किया था। उसके बाद इसका बनाया हुआ गाने बहुत फेमस हो गए इंडिया पर, और ये 2 एकेडमी अवार्ड भी अपना नाम कर लिया बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बोलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।